Yes, we are studying chapter 3, ruling the countryside. Let's extract and study. The British came to India straight away initially, but soon turned conquerors and occupied large part of India. अब हम बात करते हैं British. British, the country who rule over India is the Britain, and the people living there is called the British people. तो British people जो यहाँ पर आए थे वो इंडिया में as a trader आए थे, व्यापारी बन के आए थे, लेकिन व्यापारी व्यापार करते करते वो conqueror बन गए. Conqueror means हमारी area को जीत लिया और उन्होंने हमारी वार्च area को अपने अंडर ले लिया, अपने आपको एक कॉलोनी, इंडिया को अपना एक कॉलोनी बना लिया. द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्म कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो कंपनी, जो एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, ए ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स डेट कंसिस्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया, उन्होंने एक कंपनी बनाया, उसका इस कंपनी का नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक जने का कंपनी नहीं था, एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स था. उन्होंने मिलके, इंग्लैंड का ट्रेडर्स ग्रुप था, उन्होंने मिलके एक कंपनी बनाया, दैट इज कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको पूरा राइट मिला कि इंडिया में वो बिजनेस कर सके. दे फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज टू लुक आफ्टर द टेरिटरीज. और उन्होंने यहाँ पर जब कॉन्कर कर लिया इंडियन टेरिटरी, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया. एज ए गवर्नमेंट जैसे पॉलिसी बनाती है, वैसे उन्होंने इंडिया के लिए अपनी पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया. द पॉलिसीज वेयर मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स. और पॉलिसी उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से बनाई. इंडियन पीपल को कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने उनको फायदा हो सके वैसी पॉलिसीज उन्होंने बनाई. द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल वॉज नेवर गिवन एनी इंपॉर्टेंस. देखो यहाँ पर आ गया, तो जो कॉमन पीपल था, जो इंडियन पीपल थे, उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा पॉलिसी बनाते समय. इंडियन विलेजेस वेयर सेल्फ सफिशियंट वैन द ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया. जब ब्रिटिश पीपल यहाँ पर आए थे 1600 AD में, जब हमारा इंडियन लेबर जो था या बिजनेस क्लास था, वो काफ़ी सेल्फ सफिशियंट था, जब उन्होंने अपना रूल यहाँ पर स्टैब्लिश करा. द विलेजेस मोस्टली प्रोड्यूस थिंग्स फॉर देयर यूज. और जो यहाँ के विलेजेस थे, चाहे वो किसान हो या वो आर्टिशंस हो, अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से थिंग्स को प्रोड्यूस करते थे. द फार्मर्स ऑन द लैंड एंड द कल्टिवेटेड. फार्मर्स अपने हिसाब से अपने खेतों में खेती करते थे, जो भी क्रॉप्स उगाना चाहते थे उगाते थे. ए स्मॉल पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस वॉज पेड टू द किंग एज रेवेन्यू. और एक छोटा सा पार्ट, अगर अपने छोटे सा पार्ट खेती का, वो किंग को देते थे एज ए टैक्स. दे वेर अश्योर्ड बाई द किंग ऑफ एग्जम्पशंस एंड हेल्प वेन द क्रॉप्स फेल टू ड्यू टू नेचुरल क्लाइमिटीज. अब किंग के पास कभी सूखा पड़ गया, फैमिन जैसी स्थिति हो गई, तो वो किंग भी उनको एग्जम्प्ट कर देता था. एग्जम्प्ट का, द वर्ड एग्जम्प्ट मीन्स रियायत, टैक्स से रियायत देता था, उनसे लगान नहीं लेता था. वैन द क्रॉप्स फेल्ड, जब खेती मतलब क्रॉप्स अच्छा नहीं होता था उस सिचुएशन में. विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश द सिचुएशन चेंज. लेकिन जब ब्रिटिश पीपल यहाँ पर आए, तो ये जो पॉलिसी थी टैक्स कलेक्शन की, वो चेंज हो गई. द टैक्स वॉज कलेक्टेड बाई द कंपनीज एजेंट्स. कंपनी ने यहाँ पर अपने एजेंट्स बना दिए थे, हर एरिया के अलग अलग एजेंट्स बना दिए थे, और वही उनको ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी टैक्स कलेक्ट करने की. द अमाउंट वॉज फिक्स एंड इट वॉज मैंडेटरी फॉर फार्मर्स टू पे इन कैश. और अमाउंट फिक्स कर दी जाती थी, न एक रुपया कम न एक रुपया ज़्यादा, इतना उनको देना ही पड़ेगा. और वो पैसा भी उनको कैश में देना पड़ता था, गुड्स में नहीं, कैश देना पड़ता था. देर वॉज नो कंसेशन और कंसिडरेशन इवन एट द टाइम ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप्स. और फसल हुई नहीं हुई है, उनसे कोई लेना देना नहीं है. उनको जो फिक्स टैक्स फिक्स कर दिया है ब्रिटिश पीपल ने, वो उनको इंडियन फार्मर्स को, आर्टिशंस को देना ही पड़ता था, चाहे उनके पास हो या ना हो. दिस क्रिएटेड एन एडिशनल बर्डन ऑन द पेजेंट्स एज दे डोंट हैड टू पे टू द लैंडलॉर्ड्स जमींदार एज वेल एज द ब्रिटिश. अब दोनों तरीके से टैक्स देने, पहले तो खाली जमींदारों को देना पड़ते थे, किंग्स को देने पड़ते थे, अब दोनों तरीके देने पड़े. ब्रिटिश पीपल, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था और रूलर्स को भी देना पड़ता था. द कंपनी बिकम्स द दीवान. दीवान, हु इज दीवान? दीवान मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू ऑफिसर और द जमींदार. द कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द दीवान, बट इट वॉज इग्नोरेंट ऑफ द इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस.
अब पहले तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दीवानीशिप जमींदारों के पास थी या लैंडलॉर्ड्स के पास थी, लेकिन ब्रिटिश पीपल के आने के बाद उन्होंने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जमींदारों और लैंडलॉर्ड से अपने हाथ में ले ली और वही रेवेन्यू ऑफिसर बन बैठे। बिटवीन 1765 एंड 1793 द कंपनी एक्सपेरिमेंटेड विथ न्यू मैथड्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। और कंपनी ने 1765 टू 1793 के बीच में अपनी टैक्स पॉलिसी को चेंज करा। द मेन एम वॉज टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स। और उनका ये पॉलिसी चेंज करने का एक ही मोटिव था, एक ही मकसद था, टू जनरेट मोर प्रॉफिट, कैश ज़्यादा से ज़्यादा आए। द कंपनी डिड नॉट हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट कलेक्टेड रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब डे टू डे वर्क, रोड बनाना नहीं बनाना है, वाटर सप्लाई का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बनाई थी टू कलेक्ट रेवेन्यू, बस कैश लो, टैक्स लो। द नवाब हु हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैड नो फाइनेंशियल कंट्रोल। और नवाब एक कठपुतली बन के रह गए थे, तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स थे और कंपनी ने रेवेन्यू जनरेशन के या रेवेन्यू कलेक्शन के रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली थी। अंडर सच कंडीशन बोथ द पीजेंट्स एंड द आर्टिसियंस सफर्ड। इस वजह से जो मजदूर क्लास है, पीजेंट्स रेफर्स टू मजदूर जो खेती में या कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, उनको उन मजदूरों को हम पीजेंट्स कहते हैं। आर्टिशंस वो चाहे वो पेंटर हो या कुछ मेकर हो, गोल्डस्मिथ हो या कॉबलर हो, कोई भी हो, वो आर्टिशंस की कैटेगरी में आते हैं। आर्टिशंस आर फोर्स टू सेल द गुड्स एट लोअर रेट। और आर्टिशंस को फोर्स करा गया कि अपनी चीज़ों को लोअर रेट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा जाए। पीजेंट्स वेयर अनेबल टू पे द रेवेन्यू डेट वॉज डिमांडेड फ्रॉम देम फ्रॉम द प्रोडक्शन इन बोथ द एरिया शो डाउन ट्रेंड। अब पीजेंट्स चाहे वो कुछ भी काम करें, उनको रेवेन्यू या रेवेन्यू का कुछ पार्ट टैक्स के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। इन 1770 द वर्स्ट फैमिन ऑकर्ड इन बंगाल। 1770 की बात करें तो बंगाल में उस समय बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, विच वाइप डबे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जिसने 1/3 पॉपुलेशन को घर से बेघर कर दिया था। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल शो इट्सेल्फ प्राइमली एज अ ट्रेडर। अब रेवेन्यू कलेक्शन का या रेवेन्यू जनरेशन का काम तो कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन वो खुद को एक ट्रेडर के रूप में ही लोगों को बताते थे। इट वॉन्टेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। उन्होंने अपने आप को रेवेन्यू जनरेशन का तो जिम्मा ले लिया, लेकिन उन्होंने कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या असेसमेंट मीन्स पूरा लेखा जोखा जो होता है ना, अकाउंटिंग वर्क जो होता है वो असेसमेंट कहलाता है, उन्होंने ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया कि कितना रेवेन्यू आया, कैसे आया, ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती थी। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन स्किल ए सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। उनका बस एक ही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लो और यहाँ से जो कॉटन, जो सबसे ज़्यादा कॉटन, इंडिया क्यों फेमस था एंशियंट टाइम में कॉटन के लिए और सिल्क के लिए, तो यहाँ से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके यहाँ से ही पैसा कमाओ, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदो और उसको एक्सपोर्ट कर दो अपने इंग्लैंड में। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. और जो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन था बढ़ गया, और यहाँ से उन्होंने सामान खरीद के, चाहे वो कॉटन हो या सिल्क हो या कुछ भी, इंडिगो, एक बात आएगी आगे, इंडिगो जो कि डाइंग के पर्पस में आता था, उसकी खेती यहाँ पर बंगाल में हुआ करती थी, उनका डबल हो गया। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाई इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। अगर हम 17th सेंचुरी की पहले की बात करें तो वो बाहर से ट्रेडिंग तो पहले भी होती थी, लेकिन उनको इन रिटर्न अपने इंडियन ट्रेडर्स को गोल्ड और सिल्वर देते थे। लेकिन अब यहाँ पर उनका कॉन्कर उन्होंने इंडियन टेरिटरी को कर लिया, तो वो बॉन्डेशन या वो कंडीशन खत्म हो गई। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड मंगोल कुड फाइनेंस द परचेस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो इतना रेवेन्यू कलेक्शन बंगाल से होने लगा कि यहाँ से जो भी वो खरीदते थे उसकी सारा फाइनेंस
यहाँ से ही होने लगा, उनके टैक्स कलेक्शन से होने लगा, बाहर से पैसा मंगवाने की, गोल्ड सिल्वर मंगाने की जरूरत नहीं रही। सून इट वॉज क्लियर डेट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग ए डीप क्राइसिस। अब इनकी पॉलिसी ऐसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिससे इंडियन ट्रेडर्स और इंडियन इंडस्ट्री जो था, इंडियन बिजनेसमैन जो बिजनेस करता था, वो सारा वैनिश हो गया। क्यों हो गया? उन्होंने इंडियन गुड्स के ऊपर काफ़ी हेवी टैक्सेस लगा दिए थे, और अपने गुड्स जो बाहर से बन के आते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल करा, वहाँ कन्वर्जन करा, इंडिया में बेचा, और अपने गुड्स को उन्होंने बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया था, और इंडियन गुड्स पे उन्होंने टैक्स लगा दिया था। इस वजह से हमारा इंडियन इंडस्ट्री खत्म हो गया। आर्टिशंस वेयर डेजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वेयर बींग फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लोअर रेट्स, लोअर प्राइसेस। अब जो इंडियन मैन्युफैक्चरर था, उनको फोर्स करा गया कि वो उनको कम दामों में मतलब फिनिश गुड्स प्रोवाइड कराए। पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे द ड्यूज डेट वेर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। और पीजेंट्स, वर्ड पीजेंट्स मीन्स रेफर टू द पीपल हु डज फिजिकल वर्क, रेफर्स टू पीजेंट्स। आर्टिशियंस प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। अब हमारे आर्टिशियंस हैं, चाहे वो पेंटर हो, गोल्डस्मिथ हो, कुछ भी हो, उनका प्रोडक्शन कम हो गया, और वो उनकी कॉलैप्स मतलब धराशायी, मतलब सारा बिजनेस खत्म हो गया। देन इन 1770 टेरिबल फैमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। 1770 की बात करते हैं, मैंने पहले भी जिक्र कराया यहाँ पर 1770 का, फैमिन मीन्स सूखा, सूखा पड़ा, उसमें बंगाल का 10 मिलियन, हम मानते हैं 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, 10 मिलियन मीन्स 10 into 10, दैट मीन्स 1 करोड़ पीपल वेर सफर्ड फ्रॉम दिस फैमिन, इट्स ए ह्यूज फैमिन, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। उस समय 1/3 पीपल, 1/3। सो नाउ वी स्टडी अबाउट द इंडिगो, वाई द डिमांड फॉर इंडिगो, इंडियन इंडिगो। वॉट इज इंडिगो? एक क्वेश्चन रेज होता है कि इंडिगो क्या है। इंडिगो इज वन टाइप ऑफ प्लांटेशन, देखो यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द इंडिगो प्लांट। ये जो फूल है ये इंडिगो का प्लांटेशन है। वाई इंडिगो, वाई वी हैव टू स्टडी दिस इंडिगो इन दिस चैप्टर? बिकॉज इंडिगो जो प्लांटेशन है ये काम में आता है डाइंग के काम में, रंग जो कपड़ा बनता है, कपड़े को रंग डालने के लिए ये काम में आता था, रंगाई करने के काम में आता था, और इसकी डिमांड जो है वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में बहुत ज़्यादा था। देखो देखो यहाँ पर देख रहा है, इंडिगो वॉज डिमांडेड बाय द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन फ्रांस, इंग्लैंड, इन इटली। इटली की जो इंडस्ट्री थी, क्लोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, उसमें इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा था। क्यों था डिमांड? क्योंकि क्लोथ को डाइंग करने में इंडिगो प्लांटेशन काम में आता था, इसको पीस के इससे कलर बनाया जाता था, एंड इट इज यूज्ड टू डाई द क्लोथ। द प्राइस ऑफ इंडिगो वॉज वेरी हाई एंड ओनली सम क्वांटिटी रीच्ड यूरोपियन मार्केट। लेकिन जो प्लांटेशन है इंडिगो का, वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में काफ़ी कम था, लेकिन इंडियन एनवायरनमेंट में, इंडियन क्लाइमेट में वो इंडिगो प्लांटेशन काफ़ी अच्छा होता था, उसकी डिमांड वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा थी। इसी वजह से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश पीपल थे, उन्होंने यहाँ के फार्मर्स को मतलब फोर्स करा कि आप ना अपने क्रॉप्स मतलब सीरियल्स को क्रॉपिंग नहीं करके प्लांटेशन इंडिगो का करो। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट है वीट में, जैसे रबी क्रॉप्स होता है, वीट का कल्टीवेशन नहीं करना आपको, फोर्सफुली उनको कहा है कि वीट का कल्टीवेशन नहीं करना आपको, प्लांटेशन का इंडिगो का कल्टीवेशन करना है, या कोई भी कल्टीवेशन मतलब थ्रू आउट द ईयर उनको प्लांटेशन इंडिगो का करना है, और यहाँ के फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को कोई भी और दूसरी कल्टीवेशन नहीं करने दिया। दैट इज द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसी के लिए उन्होंने इन 1860 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंडिगो कमीशन एंड रिमूव सम ऑफ द अब्यूसेस ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन। और परेशानी आ रही थी, कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ने अपना खेती करना छोड़ दिया और उन्होंने दूसरे बिजनेस में अपना लिया, क्योंकि वो खुद के लिए तो कुछ अनाज उगा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस, जो एंशियंट बिजनेस था उनका, पैटर्नल या मैटर्नल बिजनेस जो था, उसको छोड़ के उन्होंने दूसरा जॉब अपना लिया। अब देखो यहाँ पर है द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। द ब्लू रेबेलियन रेफर्स टू इंडिगो, ब्लू, द कलर ऑफ द इंडिगो इज ब्लू, और रेबेलियन मीन्स क्रांति
होता है। तो ब्लू क्रांति, नीली क्रांति जो कहते हैं, वो इंडिगो के लिए मेंशन है। इन मार्च 1859 थाउजेंड्स ऑफ रॉयट्स इन बंगाल रेफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, मतलब हजारों किसानों ने एक साथ मना कर दिया कि हम इंडिगो प्लांटेशन नहीं करेंगे। एज द रिबेलियन स्प्रेड, रॉयट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स बोज एंड एरोज। और इतना आतंक बढ़ गया था कि उन्होंने मना कर दिया, और जो फैक्ट्री में इंडिगो जाता था तो उस पर उन्होंने हमला बोल दिया। वुमेन टर्नड अप टू फाइट विथ पोट्स एंड पैंस एंड किचन इम्प्लीमेंट्स, यहाँ तक कि जो घर उनकी लेडीज थी घरों की, उन्होंने भी मिट्टी के बर्तनों से या किचन यूटेंसिल्स से उन पर हमला करा। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वेयर सोशल बॉयकॉटेड एंड द गोमास्टर एजेंट्स ऑफ द प्लांटेड हु केम टू कलेक्ट रेंट वेयर बीटन अप। अब इंडिगो कलेक्शन करने के लिए जो एजेंट्स आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश पीपल के, उनको उन्होंने पकड़ के, जो किसान परिवार थे उन्होंने उनको पकड़ा और उनको मारा। रॉयट्स स्वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस सो इंडिगो नॉर बी बिल्ड बाय द प्लांटर्स। लथियाज द लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स, और उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया। तो कुछ ग्लोसरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझ लेते हैं यहाँ पर। द वर्ड महल मीन्स ए विलेज, रॉयट्स मीन्स कल्टिवेटर्स। देखो रॉयट के लिए मैंने कहा था, यहाँ पर भी रॉयट्स वर्ड आया था, डेट रेफर्स टू फार्मर्स कल्टिवेटर्स हु ग्रो क्रॉप्स। दीवानी राइट्स, द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन का जो राइट्स होता था उसको दीवानी राइट्स कहते हैं। नीज सिस्टम, इन दिस सिस्टम द फार्मर ग्रो इंडिगो ऑन हिज ऑन लैंड, उनको अपने खेतों में, किसानों को खुद के खेतों में फोर्सफुली इंडिगो की कल्टीवेशन करवाते थे, उसी सिस्टम को निज सिस्टम कहते हैं। रॉयटी सिस्टम, इन दिस सिस्टम कल्टीवेटर्स ग्रू इंडिगो ऑन रेंटेड लैंड, मतलब जैसे होते हैं ना किसी की लैंड ले लिया, लीज पे ले लिया और उस पर इंडिगो कल्टीवेट करते थे।